क्या इतने ही अमीर थे श्री कृष्ण, और क्या वाकई ही में उनका साम्राज्य 9 लाख घरों से घिरा हुआ था, और क्या द्वारिका 9500 साल पुराना है, ये 5000 वर्षों से 120 फीट पानी के नीचे क्यों डूब गया, ये है श्री कृष्ण का धसा शहर द्वारिका। ये द्वारिका का धसा हुआ शहर 9500 साल पुराना बताया गया है। समुद्री वैज्ञानिकों के अनुसार 9500 साल पुराने खोजकर्ताओं को अवशेष गुजरात में भारत के पश्चिमी तट पर कंभे की खाड़ी में 120 फीट पानी के भीतर पाए गए थे, और ऐसा माना जाता है कि महाद्वीप में सबसे पुराना ज्ञात अवशेष 5000 से अधिक वर्षों से पहले का है। इनमें से निर्माण सामग्री मिट्टी के बर्तनों, दीवारों के खंड, मूर्ति और मूर्तिकला और मानव हड्डियों के और दांतों सहित साइड में बरामद मलबे में कार्बन डेटिंग के इसे लगभग 9500 साल पुराना रखा गया है, और जिसमें ये पता चलता है कि ये सुमेरिया सभ्यता से कई हजार साल पुराना हो गया है। और खोज हुई और ये पता चला कि ये मिस्र और चीनी सभ्यताओं से भी पुराना है, और इससे भी आगे निकलकर ये शहर प्राचीन हड़प्पा संस्कृति से भी पुराना है। द्वारिका का उल्लेख महाभारत और श्रीमद् भगवत गीता, हरिवंश के साथ साथ स्कंद और विष्णु पुराणों सहित कई प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। महाभारत के ग्रंथों का कहना है कि द्वारिका में श्री कृष्ण का शाही महल था, और जो सभी स्फटिक और चांदी से बनाया गया था, और खोजकर्ताओं ने पता लगाया कि ये 9 लाख घरों से घिरे पन्नों से सजाया गया था, ये भी कि ये 6 ब्लॉकों पर बनाया गया था और 2 दाहिने किनारे पर और 4 बाईं ओर थे। जरा कल्पना कीजिए कि शहर इतना बड़ा और कितना सुंदर होगा, और आगे ये 6 क्षेत्रों में विभाजित किया गया था, जो बदले में आवासीय और ये चारों तरफ से देखा जा सकता था, और ये दर्शाता है कि ये शहर बहुत बड़ी सड़कों से उद्यानों और कृत्रिम झीलों का घर था। ये बात ग्रंथों में बताई गई है कि श्री कृष्ण के शरीर त्यागने के 7 दिन बाद द्वापर युग के अंत में एक बड़ी सुनामी के दौरान द्वारका को नष्ट कर दिया और कलयुग का शुरू हो गया, और अब तक जो भी कुछ पता चला है वह काफी हद तक विवरण के साथ मेल खाता है, और ये भारत के संज्ञान में है, और भारत को और भी संज्ञान देना होगा, क्योंकि उस समय और उस पल को रोककर हमें अपना इतिहास बता रहा है, क्योंकि श्री कृष्ण के जलमग्न महानगर द्वारिका को इतिहास में फिर से दोहराया जाए। और आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय श्री कृष्ण।